आज हम आए हैं अपनी टीम के साथ जिला सोनीपत के तहसील गोहाना के गांव धनाना में, जहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम का निर्माण हुआ है। हरियाणा के छोटे से गांव में इतने अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एस्ट्रोटर्फ कोर्ट बैडमिंटन स्टेडियम को देखकर हर कोई हैरान है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाले इंडोर स्टेडियम तो केवल मेट्रो सिटी में देखने को मिलते हैं। इंडोर स्टेडियम के ऊपर जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशाल चित्र लगा हुआ है। हम भी अपनी टीम के साथ गांव धनाना बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम पहुंचे, जहां पर गांव के काफी लोग जमा थे। उपस्थित लोगों को पूछने पर पता चला कि आज इस बैडमिंटन स्टेडियम का उद्घाटन होना है, जिस कारण से लोगों की भारी भीड़ उत्सुकता के साथ जमा हुई है। हम भी अपनी टीम के साथ इस बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम में दाखिल हुए। चारों तरफ कुर्सियां लगी है जिस पर बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। एक तरफ टेबल पर फूल मालाओं के अंबार के साथ जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की चित्र लगी ट्रॉफी रखी है। पीछे मंच पर सम्मानित लोग बैठे हैं। सामने की दीवार पर भी संत रामपाल जी महाराज का बड़ा चित्र लगा हुआ है। स्टेडियम के बीचों बीच सुंदर बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है, जिस पर एस्ट्रो टर्फ की मैट बिछी है, जिस पर बहुत से लोग बैठे हैं। उद्घाटन समारोह शुरू हुआ। कोर्ट के बीच लगे रिबन को गांव के सबसे वरिष्ठ नागरिक द्वारा काटा गया। तत्पश्चात उपस्थित व्यक्तियों द्वारा संत रामपाल जी महाराज का जय घोष किया गया। संत रामपाल जी महाराज द्वारा धनाना गांव के लिए किए गए सुधार कार्यों के बारे में जन समूह को अवगत करवाया गया। आइए सुनते हैं उनके विचार। ये कैसी अस्थि और शांति आए हैं, जिनकी नीति और सोच ऐसी है कि इस धनाना गांव को मैं गोद भी ले लूं, ऐसी सोच भी होगी। और गोद लेने से क्या होता है, वो तो गोद लिया कोई भी हो, बंदा हो या बाप हो, उसकी परवरिश करना उस इंसान का काम होता है, तो वो गोद लेता है ना। तो हमारे लड़कियों के लिए बस लगा दी, एम्बुलेंस सेवा लगा दी, हमने मांगी निकाल नहीं उनकी सोच थी। उसके बाद जो भी वहां समझ आई और अपनी बात को बात करे हुए हमारे क्या चिंता की, उसी चीज के लिए गुरु महाराज क्या चाहे किसी ने जैसी मांगी हो, किसी ने और कोई चीज मांगी हो, अपना काम छोड़ के हमारे को हैंड ओवर कर दिया। और ऐसे आदमी और ऐसे परिवार और ऐसे संत की हम कितनी भी तारीफ करना इतनी थोड़ी है। वो धन भी मांगते हैं, गांव का सहयोग मांगते हैं और गांव की व्यवस्था मांगते हैं और गांव से अच्छी बात मांगते हैं। उनके पास सिर्फ एक बात है, अच्छाई के नहीं मिले जाते हैं। उनका कहना यही है, अगर जो इशारा करवाएगा काम देगा उस परिवार में मतलब तकलीफ नहीं होगा और नशा मुक्ति घर होगा तो भाई अपने आप बढ़िया काम हो जाएगा। जब हमारे घर में कोई नशा नहीं रहेगा तो परमात्मा दया करेंगे तो भाई बरकत भी होगी उस घर में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनको तो एक जेल की नौकरी थी, जेल या ऐसी चीफ गवर्नमेंट होते, लेकिन इन्होंने यही ठान ली अगर मैं संत बनकर मैं देश की सेवा करूं और सभी का कल्याण करूं। इनकी नीति यही है, सरकार के पास जाते हैं कोई मुझे इस होल की कीमत आज 32 लाख रुपये, अगर 32 लाख रुपये सरकार से हमारे पास आते तो वह 10 लाख रखते और ये होल 5000 साल में ठह जाता। ऐसी व्यवस्था करिए भगवान ने
अब नीचे पढ़ा गए क्या गई और लंटर गिर गए, ऐसी व्यवस्था कर दी। हरियाणा में कहीं 265 गांव में, हरियाणा में 265 भी होंगे, किसी गांव में इतने जाओ ऐसा हॉल मिलेगा नहीं, ऐसा बस स्टैंड मिलेगा नहीं। बस स्टैंड में कम से कम 25-30 लाख रुपया खर्चा होता है। उपस्थित लोगों से बात करने पर पता चला कि यह इंडोर स्टेडियम जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर सतलोक आश्रम धनाना धाम समिति द्वारा निर्मित किया गया। गांव धनाना के सरपंच और सम्मानित व्यक्तियों की ओर से संत रामपाल जी महाराज की फोटो लगी स्मृति पदक और ट्रॉफी धनाना गांव खेल समिति द्वारा सतलोक आश्रम धनाना धाम में जाकर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को भेंट किया गया। सभी गांववासी तहे दिल से संत रामपाल जी महाराज का आभार व्यक्त कर रहे थे। उद्घाटन समारोह के बाद खिलाड़ियों द्वारा एक प्रदर्शन मैच भी खेला गया, जिसका उपस्थित जनसमूह द्वारा भरपूर आनंद लिया गया।